हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज हम लेक्चर 4 सिम्टम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ द सिम्टम्स, बिकॉज इससे पहले हम 3 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस और ऑब्लिक सिम्टम्स के बारे में फर्स्ट 2 लेक्चर में समझा। थर्ड लेक्चर में हमने क्या किया था, जो सिम्टम्स था उसकी जो दूसरा जो इंस्पेक्शन मेथड है, इंस्पेक्शन मेथड के साथ हम कैसे बड़ी इजीली से अगर उसके लीनियर फैक्टर दिए हुए हैं कैसे निकाल सकते हैं बहुत इजी, वो मेथड हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो अगर हमने किया था जो कर्व है, असिम्टम्स है, क्या टेंजेंट्स लाइन है जो इन्फिनिटी प्वाइंट पे जाके क्या करती है, टच करती है। तो जो असिम्टम्स है क्या वो पॉसिबिलिटीज है कि वो जो असिम्टम्स है वो कर्व को कट कर देगा, ठीक है ना। एटमोस्ट 3 पॉइंट 4 पॉइंट वो नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने हैं, अभी कितने पॉइंट्स पे वो कट कर देगा। प्लस हमने निकालना है आज के लेक्चर में कि जब वो कट करता है तो उसके बाद वो जो पॉइंट्स हैं वो किस पे लाइक हो जाते हैं, कोई एक स्ट्रेट लाइन पे, जो कोई एक सर्कल पे, एक हेक्सागन है, एक हाइपरबोला है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नाम आपको दिए होते हैं, किस पे वो लाइक करता है। बहुत इजी है, चलिए मेरे साथ हम बस मजे से इस चीज को समझेंगे। लास्ट लेक्चर है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो असिम्टम्स के बारे में समझते हैं। पहले हमने निकालना है कि नंबर ऑफ पॉइंट कितने पॉइंट पे कट करती है, ठीक है ना। नंबर ऑफ पॉइंट, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने के लिए आप क्या कीजिए, जस्ट एक फॉर्मूला है n n माइनस 2। n क्या है, डिग्री ऑफ द कर्व। n क्या है, डिग्री ऑफ द कर्व। जितनी डिग्री की कर्व है, 3 की है, 4 की है, 5 की है, वो यहां पे वैल्यू फिल कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपके पास नंबर ऑफ वो पॉइंट्स आ जाएंगे जिससे वो असिम्टम्स और कर्व आपस में कट हो रहे हैं, ठीक है। प्लस फॉर्मूला नोट हो गया होगा, अब आगे देखते हैं। अब हमने निकालना है कि ये पॉइंट आ जाएंगे, 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, ये जो पॉइंट है ये लाई कर रहे हैं किस पे लाई कर रहे हैं, कोई स्ट्रेट लाइन पे, वो रेगुलर हेक्सागन, तो उसके लिए क्या करना है, वही सेम चीजें। फर्स्ट पहले 3 लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट 3 लेक्चर में हमने असिम्टम्स निकालना सीख लिया है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ऑल जितने भी हैं असिम्टम्स निकाल लेंगे एक कर्व के, ठीक है ना, ऑन कर्व। ऑल का मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी, पैरेलल टू वाई एक्सिस भी और ऑब्लिक असिम्टम्स निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो जब उनको निकाल लिया, वो जितनी भी इक्वेशंस आएंगी, लीनियर इक्वेशंस आएंगी, उनकी हमने क्या निकाल लेनी है, ज्वाइंट इक्वेशन। दैट मीन्स उनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ असिम्टम्स जो आएगी, ज्वाइंट इक्वेशंस ऑफ असिम्टम्स, ठीक है। मान लीजिए मैंने उसे अज्यूम कर, ज्वाइंट इक्वेशन आ गई, उसे कुछ भी नाम दे दीजिए आप, फाई ऑफ नहीं, फाई तो एम हम लेके चलते हैं ना। ज्वाइंट इक्वेशन आएगी असिम्टम्स की, उस इक्वेशंस को, उस इक्वेशन को आपने क्या करना है, कर्व से क्या कर देना है, माइनस। कर्व में से उस ज्वाइंट इक्वेशन को माइनस कर देना है, जो आपके पास फिर रिजल्ट आ जाएगा उसी से पता चल जाएगा अगर वो 1 डिग्री में आ रहा है, 1 डिग्री में आ रहा है ना, क्या मेथड बताऊं, हाँ रिजल्ट जो आ रहा है ना, उसको हमने, क्योंकि वो भी एक्स वाई में कुछ ना कुछ इक्वेशन आएगी, तो अगर एक्स वाई में कोई ना कोई इक्वेशन आती है तो उसे कैसे चेक करना है, ये हम पहले लेक्चर में समझ चुके हैं कि कैसे हमें चेक करना है कि ये स्ट्रेट लाइन है। अगर एक्स और वाई में डिग्री 1 में आई ओनली तो वो क्या है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अगर वो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर में आती है तो हम वही मेथड से चेक करेंगे, हमारा वी स्क्वेयर वाला लगा सकते हैं हम, या 2fg वाला, जिसमें भी वे पैराबोला बन रहा है, सर्कल बन रहा है, हाइपरबोला बन रहा है, एलिप्स बन रहा है, वो सब कुछ हमें वहां से पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेके चलती हूँ जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। एक बात बोलना चाहूंगी, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, बीच बीच में काफी कुछ आपको पता चलता रहता है कि मैं क्या कुछ बता रही हूँ, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को स्टडी कीजिए, क्या लिखा है कि शो दैट असिम्टम्स ऑफ द कर्व दिस कट द कर्व
इन एटमोस्ट 8 पॉइंट्स विच लाई ऑन रेगुलर हाइपरबोला, जो सॉरी रिक्टेंगुलर हाइपरबोला पे जो लाई कर रहा है वो निकालना है। कट द कर्व 8 पॉइंट्स, ठीक है ना। इनको वही बात है, कर्व और असिम्प्टम्स का इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे, ऑब्वियस इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे, कट कर रहे हैं, दैट मीन दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो समटाइम इंटरसेक्शन वर्ड्स भी लिखा होगा, तो इसका मीनिंग यही है आपके पास। गिवन क्या हो सकता है यहाँ पे, जैसे मैंने रिक्टेंगुलर हाइपरबोला लिखा है, विच लाई ऑन एलिप्स हुज असेंट्रिसिटी या हुज सेंटर या लाई ऑन द सर्कल हुज रेडियस, ऐसे वर्ड्स भी यहाँ पे आपके पास लास्ट में आ सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे वो भी बताएंगे आपको, पहले यहाँ पे एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कर्व है, पहले कट पॉइंट निकालने के लिए एटमोस्ट 8 पॉइंट पे कट करेगी, वो देख लेते हैं, है ना। तो उसके लिए डिग्री कितनी है इसकी, 4 माइनस 2, तो 4 इंटू 2 दिस इज द 8। यस, एटमोस्ट 8 पॉइंट्स पे ही वो क्या कर रही है, कट कर रही है, वो फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ठीक है ना। नाउ अब क्या निकालने हैं, ऑल असिम्प्टम्स निकालने हैं मैंने, है ना, इस कर्व के। तो क्या आएगा जी, सबसे पहले फर्स्ट देखे पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात करें तो हायर कोफिशियंट ऑफ एक्स का वन ही कॉन्स्टेंट आ गया ना, कोई एक्स वाई में नहीं आया, कॉन्स्टेंट आ गई, वन आ गया कोफिशियंट विच इज वन, ठीक है। तो नो असिम्प्टम्स, तो इसके पैरेलल कोई सिम्टम्स नहीं है, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस देख लेते हैं, वाई एक्सिस का हायर कोफिशियंट हाईएस्ट पावर 4, इस कोफिशियंट इज ऑल्सो 4 विच इज कॉन्स्टेंट, एक्स वाई में नहीं है, सो नो असिम्प्टम्स, ठीक है ना। यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस हमारे पास कोई असिम्प्टम्स नहीं आ रहा। मेन चलते हैं अब ऑब्ल्यूक पे, ऑब्ल्यूक असिम्प्टम्स निकालने के लिए डिग्री देखें, कोई गायब तो नहीं है, फिर तो बहुत इजी भी हो सकता है ना। ये हो गया 4 डिग्री का, ये हो गई 2 डिग्री और ये हो गई 1 डिग्री, है ना। 4 के बाद 2 डिग्री आया, बीच में 3 डिग्री नहीं है, नहीं है ना 3 डिग्री। तो इसे हम उस मेथड से कर सकते हैं, तो चलिए पैरेलल तो कोई नहीं आया, है ना। अब ऑब्लिक के लिए आपके माइंड में अगर इंस्पेक्शन मेथड है तो आप उससे कर सकते हो कि इसे फैक्टराइज करो, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है। अगर फैक्टराइज आपको मुश्किल लग रहे हैं कि फैक्टराइज मैं कैसे करूं, नहीं आपके माइंड में आता, तो वो फाइव ऑफ एम से निकालो, किसी भी मेथड से निकालो, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है ना। लेकिन एक बार बता देती हूँ, जब भी थोड़ा सा ध्यान से एक बार ध्यान से सुनना कि जब भी आपके पास डिग्री गायब है बीच में, थर्ड की डिग्री नहीं है, है ना, थर्ड डिग्री नहीं है, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस असिम्प्टम्स आपके नहीं आए, बाय इंस्पेक्शन मेथड आपका क्या बनेगा बेटा, कि ये जो इक्वेशन है इसी को हम इक्वल टू क्या लेते हैं, 0 एक्स रेस्ट पावर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 4 वाई रेस्ट पावर 4 इज इक्वल टू 0। जब हम इसके ही फैक्टराइजेशन करते हैं, क्योंकि एफ ऑफ 3 नहीं है, है ना, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो वही हमारे क्या आएंगे, असिम्प्टम्स आएंगे, ठीक है ना। अगर आप उनको मल्टीप्लाई करके ज्वाइंट इक्वेशन बनाओगे तो यही बन के आएगी, समझ रहे हो ना मेरी बात, कि यही बन के आएगी वो ज्वाइंट इक्वेशन। तो इसमें तो बहुत इजी हो गया, माइंड में आगे चीज ना, मैं इसलिए एक मिनट के लिए रुकी थी कि अगर आपकी 3 डिग्री बीच में 1 डिग्री स्किप है तो यही इनको इक्वल टू 0 रखोगे, बट ये देख लेना कि फैक्टर रिपीट तो नहीं है, है ना, रिपीट नहीं है, क्योंकि रिपीट होगा तो फंडा कैसा होगा वो हम लेक्चर 3 में देख चुके हैं, है ना। तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहां पे अगर हम देखें, चलो करती हूं मैं इसके एक बार फैक्टराइजेशन, आप इसी क्वेश्चन को फाइव ऑफ 4m से भी निकाल सकते हो, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं x को 1 लेके और y को m लेके, आप इस मेथड से सॉल्व करना, आपके वही असिम्प्टम्स आएंगे जो मैं फैक्टराइजेशन मेथड से कर रही हूं। फैक्टराइजेशन मेथड से मैं कैसे करूंगी, एक्स एस्ट पावर 4 है, यहां पे 4 है और यहां पे 5, अगर मैं इसे ऐसे ब्रेक कर लू 4 और 1 5 ही बन जाएंगे ये, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें तो, ठीक है ना। अब उसके बाद अब इन दोनों में अगर एक्स स्क्वेयर कॉमन निकाल लू तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर
माइनस फोर वाई स्क्वेयर कॉमा निकाल लू, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई, यहाँ पे वाई स्क्वायर फोर था, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। तो ये एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर दोनों में क्या आ गया कॉमन। देखिए पैरेलल तो कोई है नहीं, इसे मैं रेज कर देती हूँ, है ना, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर कॉमन, और नेक्स्ट फैक्टर क्या आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस फोर वाई स्क्वेयर, ठीक है ना। तो एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस टू वाई, बिकॉज फोर वाई का स्क्वेयर टू वाई स्क्वेयर लिख सकते हैं, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो अंतिम टर्म्स क्या रहने वाले हैं आपके पास, अब ये हो गया, चाहे आप इसको इस मेथड से करो आपके यही आएंगे सेम, आप चेक करके देख लेना, क्योंकि m की चारों वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएंगी, है ना। और c, c के लिए जो फाइव ऑफ थ्री लगेगा वो नहीं है, ऑल केसेस में c क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि ऑल दे ऑल फैक्टर क्या है डिफरेंट है। चाहे फैक्टराइज कर सकते हो, फैक्टर्स नहीं आया माइंड में तो फाइव वाला क्वेश्चन यूज कर सकते हो, फाइव ऑफ एम वाला। अब ये चारों ही क्या आ गए असिम्प्टम्स। अगर मैं इसके असिम्प्टम्स लिखना चाहूं तो ऐसे लिखूंगी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये चारों असिम्प्टम्स मेरे पास निकल के आ गए, ठीक है ना। अब ज्वाइंट इक्वेशन लिख लेते हैं, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ असिम्प्टम्स। अब ज्वाइंट इक्वेशन क्या आएगी इनकी सारों की मल्टीप्लाई कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब देखिए जैसे ही मैंने इसकी मल्टीप्लाई की भाई एक्स माइनस वाई अगेन मल्टीप्लाई में लिखना पड़ रहा है, मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, क्योंकि ये इसी के फैक्टर बने थे, यही आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस द फोर वाई रेज़ टू पावर फोर, एक्स रेज़ टू पावर फोर वन टू थ्री फोर पावर तक मल्टीप्लाई करके यही आएगा, ठीक है ना। जब ये आ गया मल्टीप्लाई तो ये इक्वेशन नंबर टू लगा लो, इसी इक्वेशन नंबर ले लेना वन, तो आपने क्या कर दिया वन माइनस टू। देख लेना समटाइम एड भी हो जाते हैं समटाइम, ठीक है ना, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में सब्ट्रैक्ट ही होता है अगर साइन ऑपोजिट आ रहे हैं आपके। वन माइनस टू करोगे, वन माइनस टू करोगे खुद सोचो, ये आगे साइन माइनस हो जाएगा, ये कैंसल ये कैंसल ये कैंसल ये कैंसल, तो आपके पास ये इक्वेशन बच के आएगी, ठीक है ना, ये इक्वेशन आपके पास बच के आएगी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एक्स प्लस वाई, ये क्या है रिक्टेंगुलर हाइपरबोला, विच इज द रिक्टेंगुलर हाइपरबोला। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन का हल्का सा मैं और हिंट देना चाहती हूँ आपको, ये कीजिए अब एक क्वेश्चन का और हिंट लीजिए। अब देखिए मैंने ये टू क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है, क्या लिखा है शो डैट शो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस, एक ये कर्व दी है एंड इट्स असिम्प्टम्स लाई ऑन द एलिप्स हुज असेंट्रिसिटी इज दिस, ठीक है ना, ध्यान से कि हमने कर्व दी है और उसके असिम्प्टम्स की जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनकी इक्वेशन क्या बन के आ रही है, एक एलिप्स बन के आ रही है, कौन सा एलिप्स है जिसकी सेंट्रिसिटी क्या बन रही है 4/5। अब आप इस क्वेश्चन को ना ऐसे ही जज कर सकते हो, वैसे तो आप निकाल लोगे सॉल्व करके, लेकिन ऐसे जज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे एक्स वाई टू वन और वन टू ये कितना बन रहा है 4 डिग्री की बन रही है भाई, ये कितनी डिग्री की 4 की, और ये कितनी डिग्री की बन रही है 2 डिग्री की, बीच में 1 डिग्री क्या है गैप है, है ना, बीच में 1 डिग्री, बीच की डिग्री है भी नहीं, है नहीं ना बीच की डिग्री। तो बाय इंस्पेक्शन मेथड हमारा क्या होता है दिस इज इक्वल टू जीरो, यही हमारे क्या आएंगे असिम्प्टम्स। अगर इसको इक्वल टू जीरो लेके असिम्प्टम्स आने वाले हैं तो उनको मल्टीप्लाई करके ज्वाइंट इक्वेशन भी तो यही आने वाली है, तो ज्वाइंट इक्वेशन को जब मैं इसमें से माइनस कर दूंगी, माइनस कर दिया तो मेरे पास यही बचेगा, क्या बचेगा भाई -25x² -9y² +144=0, यही बचेगा, ठीक है ना। तो क्या करते हैं इनको उस तरफ ले जाते हैं, अगर मैं ऐसे कर दूं इक्वल टू जीरो के साथ हो गया, ये एलिप्स की इक्वेशन है यस, जिसकी सेंट्रिसिटी 4/5 रहने वाली है,
कैसे, वन बाय यहाँ पे वन होता है ना, 144 से आप डिवाइड कर लेना, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 25 आएगा। ये जनरल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसके कि आपको ये लर्न है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखिए, शो दैट 3 असिम्प्टम्स ऑफ द कर्व मीट कर्व एट 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स पे मीट कर रही है, लाई ऑन द लाइन और इस लाइन पे लाई कर रही है, हमने ये बताना है। लाई का मतलब जो लाइन आएगी वो यही बन के आ जाएगी, ठीक है ना। अब असिम्प्टम्स के लिए चेक करें, पहले 2 और 3, 2 और 3 और 3, ये हो गई जी 3 डिग्री कर्व। उसके बाद 2, 2, ये 1 है ना, ये 2, अब कोई डिग्री गैप नहीं है। 3 के बाद 2 है, दैट मीन्स हमारा वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला कौन सा जी, भी हम x को 1 लेके चलेंगे और y को m लेके चलेंगे। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इससे क्या निकाल लेंगे, असिम्प्टम्स निकाल लेंगे। पहले पैरेलल टू x एक्सिस भी देखेंगे, पैरेलल टू y एक्सिस भी देखेंगे। पैरेलल टू x एक्सिस भी कोई नहीं आ रहा क्योंकि x की वो ऑप्शन 1 है, y की वो ऑप्शन 2 है, दोनों कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना। सो पैरेलल कोई भी नहीं आ रहा, लेकिन जब आप वैल्यू फिल करोगे तो अलग असिम्प्टम्स आएंगे, है ना। हाँ, अब ये ध्यान रखना, आप काफी स्टूडेंट ये सोचेंगे कि यही होंगी, इसकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, नहीं, उसमें ये 2 डिग्री का भी काफी हद तक टॉपिक इंक्लूड होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें सी वेरी कर रही है। तो जो 3 असिम्प्टम्स आएंगे, ठीक है ना, उन असिम्प्टम्स की मल्टीप्लाई करके आप इसके साथ देख रहे हैं वो माइनस हो रहा है या एड हो रहा है, तो आपकी ये इक्वेशन बन के आ जाएगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करना, कमेंट सेक्शन में लिखना अगर आपका नहीं हुआ। ये टॉपिक इंजीनियर मैथमेटिक्स चाहे बीएससी का हो, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपका ये हो जाना चाहिए। ओनली 4 लेक्चर में हमारा फुल चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की तरफ चलेंगे। और बीच में एक बार आता है हमारे पास कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग के बारे में बता रही हूं आपको, कुछ फ्लैट लाइंस लिखवाऊंगी, एक नोटबुक पे नोट कर लेना, जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें वही लिखनी है, वही लाइनिंग लिखनी है। हाँ, थोड़ा वो चेंज होता जाएगा लेकिन जो वर्डिंग है वो सेम, क्वेश्चन बीच में जो चेंज होगा वो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, आल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो।